उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ गए हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों और अपने सबसे खास अफसरों को अपने घर पर बुलाया है। मीटिंग का दौर शुरू हो गया है और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को सोमवार की शाम को योगी सरकार के आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास पर तलब किया गया है। योगी के घर पर जो मीटिंग हो रही है उसमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद समेत तमाम वरिष्ठ नेता और कैबिनेट के सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर तमाम मंत्रियों से फीडबैक लेंगे और इसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का दौर भी चलता रहेगा। इसे देखते हुए सरकार के स्तर पर तमाम तैयारियां हो रही हैं। सीएम योगी भी कई जिलों में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए जाएंगे। इसके अलावा तमाम मंत्रियों को भी फील्ड में उतारा जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सीएम योगी ने अपने घर पर बैठक बुलाई है। बैठक को लेते हुए तमाम बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर की मेयर सीटों के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली इस बैठक को लेकर तमाम अटकलें हैं। वहीं बीजेपी के अलावा सपा और बसपा के कार्यालयों में भी प्रत्याशियों के नाम पर विचार शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में सभी दल अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। इसे लेते हुए पार्टी संगठन में तैयारी होने लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर बीजेपी के ऊपर है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है और जो निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी भी है। पार्टी की कोशिश है कि निकाय में जीत हासिल करके 2024 के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया जाए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।